नमस्कार लता ओडिया किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करबी राखी पूर्णिमा स्पेशल आम ओडिसा रा फेमस पहाड़ रसगुल्ला। तो रसगुल्ला तो समस्त खाया पई बहुत ही बढ़िया लागी थई आउ तयारी करया मध्ये बहुत इजी, किंतु जदि किछटा टिप्स आउ ट्रिक्स को आपण माने फॉलो करिवे तले रसगुल्ला आपण परफेक्ट तयारी करि परबे। आज रे वीडियो देखला परे आपण माने बिल्कुल भी कंफ्यूज हेबेनी। तो देखन तेठी रसगुल्ला पूरा तर रस को स्क्वीज कला परे आउ थरे जते बले मु सिरा रे पकोजी एडा देखि परथु तर पूर्व शेप को चली आसी। तो एथिर जणा पड़ी होछि हमर रसगुल्ला टी परफेक्ट तयारी हेछि पूरा सॉफ्ट आउ स्पंजी। तो एठी मु आपण को कट करके देखौछि। तो देखन तो एठी रसगुल्ला केते जाली दे तयारी हेछि। वीडियो को फुल वॉच करंदु ताहल जे आपण माने एई भले रसगुल्ला करें। जदि आज वीडियो टी आपण मानक पसंद आसिबो लाइक करेंगे शेयर करेंगे आज जब मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना तेल प्लीज सब्सक्राइब करनी और पाखे थी बेल आइकन को मध्य क्लिक करदे जहाद्वारा मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपारे चलां स्टार्ट करवा। रसगुल्ला तैयारी करने प्रथम आमको क्षीर दरकार। ये मुझे डेढ़ लिटर ओमफेड काओ मिल्क नहीं जेकोसी क्षीर ये नहीं पारे पैकेट वाला क्षीर बा फुल फैट वाला क्षीर भी आपारे जदि भी घर आपण गाई क्षीर मिलूँ से नहीं पारे एत डिफरेन्स जब फुल फैट क्षीर ने अधिक क्वांटीटर टी छेना बाहर आदि आपने पैकेट क्षीर घर थी क्षीर ने गाई क्षीर तेल टी छेनार क्वांटीट कम आस रसगुल्ला जेकोसी क्षीर भी परफेक्ट या हेबो। तो ये मुझे जगह डेढ़ लिटर क्षीर को गैस को ऑन करी क्षीर को भल भाव फुटापी छाड़ा से ही भितर क्षीर को छिंडापाईका ये कि प्रिपेरेसन करवा। तो ये देखूँ मुझे क्षीर छिंडापी नेगार आपड़ चाहिए लेंबू रस भी नहीं पारे। तो ये मुझे दुई चामच भिनेगार नौच। तो दुई चामच भिनेगारे ये डबल क्वांटीटर पा देवी मान चार चामच पा ये आम मिक्स करवा। जदि आपंबू क्षीर को छिड़े ताले दुई चामच लेंबू रस रे चार चामच पानी को मिक्स करेंगे आपरे छेना को छिड़े आपण मैंने भिनेगार लेंबू रस को डायरेक्ट क्षीर में पकईबेनि। एबे देखंतु आमर एटी क्षीर भल भाव फुटी जाइछि आ बारंबार यह मिक्स करेंगे बिल्कुल भी सर पड़ा को जमी देवेनि। तो एबे गैस रो फ्लेम को आम बंद करदे बंद कर सारापर गोटे मिनिट या हल्का थंडा हाँपाई छाड़ा आपण मैंने घंटा देखिक गोटे मिनिट ही छाड़े आउ बेसी जब थंडा करदे ताले बिल्कुल भी आपंकर छेना छिंडी प्रोब्लेम होीर वेस्ट होती मात्र गोटे मिनिट टे टेम्परेचर डाउन हो गले आम करनेगार जो सल्यूसन बनईले सेटा को एड करके छेना को छिड़ेबा। तो एका थे सबूक भिनेगार पा को आपईबे गोटे गोटे चामच देक आप मिक्स करेंगे आ गोटे चामच देक मिक्स करेंगे यही प्रोसेस रे आपण मैंने छेना को छिड़े। तो ये देखो छेना आमर एटी छिंडी जाइए। तो आम जी सल्यूसन तैयारी करते भिनेगार पानी जब से आपंकर छेना छिंडुनी तेल आपने कि बन छेना को छिंडे पारे। तो ये आम कौन करवा सांगे सांगे छाणीदे छेना पाने बिल्कुल आपड़ छेना को पकईक रखे बेस समय। तो ये गोटे जाली उपर मुझे पतला कटन कपड़ा नहीं जाइए आम छेना को छाणीदे। एबे आमे छेना को छाणी सारापर कपड़ा को हाथ में उठेदे मानने छेना कपड़ा को हाथ में उठे सारापर देखे पारे केना पा बाहरी ए छेना पा की बिल्कुल आप फोपाड़े ये पाने आप डाली को सीझे पारे ना तो जेकोसी तरकारी पत्र पारे अटा चकटिला बेले यूज करेंगे। तो यह थंडा कालापर आप बटल भरिक फ्रिज में 15 दिन पर्यटन स्टोर करेंगे। एवं देखो आउ गोटे जगह मुझे छेना को रखिकी ए दुई तीन थर पा देक भल भाव यहाँ धोईदे जहाद्वे कि जहाँ भी आम भिनेगार खटा टेस्ट रहा धोई खटा लगे आम रसगुल्ला। तो ये कौन करवा आम छेना को कपड़ा सहित स्क्वीज करवा माने चिपुड़ी दबा। तो एक्सेस आप जोर से टाइट करके चिपुड़े हालका चिपुड़े जी पा बाहर बस से बेसी टाइट करके छेना को चिपुड़े तो छेना बहुत टाण हो। तो ये देखो छेना को हालका चिपुड़ सारापर आम यहाँ से जाली उपर रखीद और जेकोसी गोटे ओजनिया जिनस आणिक रखीदा जमीक जहाँ भी तरह एक्सट्रा पा छेनारे थी से सब तौक को बाहरी आसब। तो मुझे अधा घंटा पर यह छाड़ दे तो अधा घंटा पर देखु मुझे देखू छेना आमर ये सेट हो जाए। तो ये आम यहाँ गोटे बड़ प्लेट को काढ़ी ना जहाद्वारा कि चकटियापी सुविधा हाँ। गोटे कथा मन रखिए छेना अधिका सुखिला हाँ कथा नुहे कि अधिका से पा रहा कथा नुहे माने हालका हालका ए मैश्चर थी सेमती ही छेना आमको दरकार। देखो एबे भी टी आम छेना गरम हो बहुत सॉफ्ट छेना ये आम या
छेना को आमे हाथ रे गुंड कर देबा। एबे कोन करबा, छेना को प्लेट रो गोटे पटा साइड को रखि देबा और हाथ रो पापुली सहायता रे जेंति कि आपण माने वीडियो रे देखु चंदी, एबे पापुली सहायता रे छेना को तळु ऊपर को हल्का हल्का प्रेस करके आमे एंती चकटिबा, जहाद्वारा कि छेना आमर बढ़िया भाव में सॉफ्ट हो। तो यहीटा हूँ छेना चकटिबार भल प्रोसेस। तो एमती ही आपण मैंने छेना को चकटिबे। तो ये देखो गोटेपट साइड को सब छेना पलिगला। एबे कौन करी, मु थाली को एमती बुलेदेवी, छेना को बुलेवा दरकार नहीं, थाली की आपण मैंने बुलेदेवे और पुणी आउ थे से सेम प्रोसेस को करेंगे, मानते तलु ऊपर को छेना को चकटिबे। छेना आमर जिते सॉफ्ट तैयारी हेबो, आमर रसगुल्ला भी स्पंजी तैयारी हेबो। तो यही आपण मैंने ध्यान रखिबे। आपण मैंने घंटा देखिकी पूरा 5-6 मिनिट पर्यंत ये आपड़ चकटिबे। तो ये देखो पूरा ये 6 मिनिट हो जाइए, लगातार एमती मुझे चकटू थी। तो ये देखिपे छेना बहुत चिकन हो जाते सफ्ट हो जाए, आग अपेक्षा बहुत सफ्ट लगुच छेना हाथ को देखने भी जना पड़ जा। तो ये देखो हाथ में हाल्का ये चिकनापन मानने टी घी घी लगुच। तो यहीटा हूँ छेना परफेक्ट चिकन हो जना पड़ से फैट बाहरी आस। तो आम ए अधा चम्मच मैदा दे देदेबा। मैदा जगह आपने कर्नफ्लोर अधा चम्मच नहीं पारती, किंतु आठ अधिक आपने मैदा बा कर्नफ्लोर ने ना रसगुल्ला बहुत सारा टाण हो। तो से सेम प्रोसेस रे यहाँ आउ 2 मिनिट पर्यंत हाथ में चकटी ने। प्रथम आम 6 मिनिट पुणी 2 मिनिट, टोटाल आम 8 मिनिट चकटा। घंटा देखिकी आप चकटे जापण रसगुल्ला परफेक्ट तैयारी हे। एमती तो आम रसगुल्ला को बिना मैदा बा बिना कर्नफ्लोर में तैयारी बेले बेले कौन हुए चीनी सीरा पड़ला पर रसगुल्ला खुली जाए, से आम ये अधा चम्मच मैदा देचे बाइंडिंग यह बिल्कुल भी खोलन। आबे देखु चकटी हो गला यहाँ गोटे ओदा कपड़ा ये घोड़े दूसरी से भितर आम चलत चीनी सीरा को प्रिपेयर करवा। तो चीनी सीरा बनवाई का ये मुझे कड़ई नहीं जाइए। तो शुखिला कड़ई यहाँ अच्छी, शुखिला कड़ई में एवं 3 चामच मु चीनी दे दूँ। प्रथम आम यहाँ कैरामेलाइज करवा, जेहेतु आम पहाड़ रसगुल्ला बनाऊे टी आम कलर दरकार। तो से चीनी 3 चामच 2 चामच ये पानी दे देती, आउ फ्लेम को हाई रे रखिबा, हाई फ्लेम रे रखिकी एको कंटिन्यूअसली मिक्स करथिबा हल्का जेमती कलर आसीबो। तो एबे देखि परथिबे हल्का हल्का एटी ब्राउनिश कलर आसी जाइछि। आपण केबे भी डार्क करिकी याकू कारमेलाइज करिबनी, माने ब्लैक कलर करिबनी, नहले सिराटा पूरा पीता लागिबो। तो टिके जेमती एटी कलर आसी जाउछि। तो एबे मु गोटे कप पानी एटी नै छि, तो हल्का एटी पानी देकी याकू मिक्स कर नउ छि। पानी देला बेले आपण माने टिके सतर्क हेकी पानी देबे, काहेना एटा बहुत गरम थाए। पानी देला पेले एटा कोन हुए छिटका मारे बाहर को, हाथ जलिबार चांस अच्छे, से केयरफुली रहिबे। तो एबे एठी मु नै छि गोटे कप चीनी। तो चीनी एठी मोर 200 ग्राम अछि। आपण माने जेउ कप रे चीनी को मापिकी नेबे सेई कप रे मेजर करके 7 कप पानी दे देबे, माने जति कि चीनी नेबे तार 7 गुणा पानी दे देबे। मु स्टार्टिंग रु देथिले गोटे कप पानी, आउ एठी आउ 6 कप पानी ऐड कर दोची। आउ चीनी केमती नेबे मेजर करके ना आपनकर छेना, माने मु नेथिले 1.5 लीटर क्षीर, सेथिरे मोर बाहरतला पाखापाखि 250 ग्राम छेना। तो ताकु मु देखिकी एठी नेथिले चीनी 200 ग्राम। तो से हिसाब से आपण माने भी नेबे। आपण माने जदि अधिका मीठा खाइबे तले आउ 50 ग्राम चीनी मध्य ऐड करि परबे। एबे आमे सिरा को भल भाबरे फुटिया पई छाडीबा। तो एपटे देखंतु आमर एठी जो छेना चकटा हेतिला ताको एबे आउ थरे टिके हल्का चकटी देबा किछि सेकंड पई। चकट सारापर एथर आम गुला को प्रस्तुत करवा। तो सामान भाग में गुला को बाहर करवा, जमी सबू रसगुल्ला सामान हम। तो ये जितेटा आम रसगुल्लापर मुझे गुला को तैयारी कर दूसरी, तापर आपण मानक देखिए आपण मानक जमी रसगुल्ला दरकार जो सैज्र आपण मैंने तैयारी ये मुझे मीडियम सैज्र नहीं हाथ में गोटे छेना गुला को लेकिन राउंड करूँगी। पूरा क्राक फ्री रहा दरकार, जदि क्राक रहा चीनी सिरा पड़ला फाटी पारे, से आपने ध्यान रखिए। देखु एमती बॉल कर करदे। तो ये 11टा बॉल ये पूरा हो जाएर पूरा ये प्लेन तैयारी क्राक नाई बिल्कुल भी। एबे आमर एपटे देखु चीनी सिरा बसला सी फुटी जाइए भल भाव एवं टी बास्नापी मुझे गुजराती 3टा नहीं जाड़ कर दे भल भाव जिते फुटिजी पूरा टकमक होगी फुट से जाए रसगुल्ला को पकेबा। तो रसगुल्ला को आउ थे टी हाथ सेप देदेबा भल भाव नपट सेपट होपटा भल आसवन। तो मझी जगार कड़ेर मझी जगार बेस टेम्परेचर थाए से बहुत गरम थाए से जगह आपण मैंने रसगुल्ला को पकेबे। आका थे सब गुड़ा रसगुल्ला पकेबे कि सेकेंड ग्याप्रे मैंने 5 सेकेंड 6 सेकेंड ग्याप्रे गोटे गोटे रसगुल्ला को आपण मैंने पकेबे। तो एमती करके सब रसगुल्ला पकई। तो ये कौन कर
करवा फ्लेम को पूरा हाई करदे। हाई फ्लेम को आम कभर करदे पूरा 10 मिनिट पर्यंत कभर करदे। मझीरे आपण मैंने बिल्कुल भी यहाँ ओपन करें तो 10 मिनिट पर एटी देखु मु लीड काढ़ देखुची आम रसगुल्ला साइज देखु के बड़ बड़ हो रसगुल्ला परफेक्ट आउ कलर देखु के भल आसी रसगुल्ला ऑटोमेटिक बुली जाऊँगी। तो मुझे भी टी चमच एपट सेपट करदे जहाद्वारा कि ऊपर साइड जदि कलर है तो से तौक गला कलर हो तो एपट सेपट कलापर आपको आउ थे पुणी कभर करदे। फास्ट रु 10 मिनिट कभर करते एबे फ्लेम को मीडियम रखिकी आउ 10 मिनिट पर्यंत यहाँ कुक होगा छाड़देव। एबे देखु आउ 10 मिनिट हो जाए टोटाल आम 20 मिनिट एटी हो जाए 20 मिनिट्रे रसगुल्ला रेडी। तो एबे देखु के बढ़िया तैयारी जना पड़ ऊपर तार टेक्सचर देखु पूरा स्पंजी रसिला रसगुल्ला तैयारी आउ देखु के सॉफ्ट तैयारी। तो यही रसगुल्ला आपरी कर टिप्स को आउ ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे। तो एबे देखु रसगुल्ला होती कि नहीं केमती जानवा तो से टेस्ट करवा। तो गोटे बाउल मुझे पा नहीं जाइए से पा रसगुल्ला को पकेबे पकेला देखी पार्थ रसगुल्ला तौक बुड़ी रोचे ये रसगुल्ला परफेक्ट कुक होती पाने भाषा रसगुल्ला तेल जानवे रसगुल्ला आमर होनी या हाँ आउ गोटे कथा रसगुल्ला जब आप जिते कुक करेंगे पा जदि मैंने शिरा जब कम हो जाए आपने कौन करेंगे गरम पा करीर एड करेंगे। एवं कभर करदे गैस को बंद करदे अध घंटा पर ये मुझक देखो तो एबे भी हल्का ये गरम अच्छी। तो रसगुल्ला देखिपे के सॉफ्ट तैयारी बेले बेले कौन हुए ना रसगुल्ला तैयारी कलापर जो थंडा हो जाए तार सेपटा पूरा कम हो जाए छोट हो जाए। तो ये देखिपे रसगुल्ला सेपटा सेमती ही अच्छी जमी आम बनैला बेले थंडा हालापर भी सेमती अच्छी। तो पूरा जनापड़ी परफेक्ट तैयारी आ देखु काटिक देखिए आपको केपंजी तैयारी भितर टेक्सचर देखूँ पूरा जाली जाली तैयारी तेज़े आपण मैंने राखी पूर्णिम रसगुल्ला को तैयारी करूँ जदि भी किसी डाउट रही हो कमेंट सेक्शन में पचारिपारे तार आंसर मुझको निश्चय देवी। तो आज रेसीपी आपण निश्चय भल लगी आज रोची पुणी आसबि आ गोटे नुआ रेसीपी नहीं कि से पर्यंत रही। नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।